अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान और डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती के बाद विदेशी बाजारों में सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा मौद्रिक नीति को लेकर सख्त बयानों के बाद सोने चांदी में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोने चांदी में बिकवाली हावी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 7 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। क्रूड ऑयल का भाव $90 को भी पार कर गया है। इसके बावजूद डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 86 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है। इस बार भी हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा ही देखने को मिला। इस बार दक्षिण भारत में हुई बारिश से हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे हल्दी की कीमतों को सपोर्ट रह सकता है। इस बार जीरे की बुआई कमजोर देखने को मिल रही है। खराब मौसम के चलते फसल में गिरावट आ सकती है। जीरे की पाइपलाइन लगभग खाली हो चुकी है। कारोबारी जीरे में आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। विदेशों में जीरे का उत्पादन कम बताया जा रहा है, जिससे कि डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इस बार कपास का उत्पादन कमी बताया जा रहा है। खल का स्टॉक भी कम है। डेयरी और पोल्ट्री उद्योग से मांग निकलने की उम्मीद है। बिनौला खल की कीमतें अभी कुछ दिनों तक जानकारों के मुताबिक वायदा बाजार में 3000 से 3400 तक की सीमित दायरे में देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल के ऊना में जनवरी महीने में लगभग 20 दिन हुई मूसलाधार बारिश का सीधा नुकसान फसलों को पहुंचा है। खासकर आलू और गेहूं की फसल खराब मौसम के चलते प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में आलू की खेती पूरी तरह पानी में से डूब चुकी है। आलू का बीज जमीन में ही सड़ चुका है। चाय उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि वह भारत से चाय के निर्यात को बढ़ाने में मदद करने के लिए योजनाओं के साथ आए और आगामी बजट में देश में चाय पीने को बढ़ावा देने के लिए चाय लॉन्च स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा है कि बजट को नए उद्देश्यों से पेश करना चाहिए। शिमला के बाजारों में एक बार फिर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। शहर में सब्जी और फलों के दाम में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। शिमला के बाजार में प्याज 70 रुपये किलो बिक रही है। तुअर उत्पादन को खरीफ सीजन की आखिरी फसल के रूप में जाना जाता है। किसानों को तुअर के उत्पादन बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। बाजार के अरहर की दाल आते ही दाल मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों की मांग तेजी से शुरू हो गई है।